तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि नवंबर का महीना स्टार्ट हो गया, यानी कि सर्दी का आगमन शुरू हो गया है। बट अपने झारखंड राज्य में चुनाव होने की वजह से यहाँ पे चुनावी माहौल बहुत ही गर्म है, बोला जाए तो बहुत गर्म है। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि यहाँ पे सभी नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का लगाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान के लिए मतदाताओं को काफ़ी लुभा रहे हैं। तो यहाँ पे सभी नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को बताएंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी भगवा कपड़ा पहनने वाले, यानी कि बिना नाम लेते हुए योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है कि भगवा कपड़ा पहनने वाले लोग चोर होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, यह सभी वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हेमंत सोरेन ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर अपना सफाया दे रहे हैं। तो वहीं हेमंत बिश्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री है, वो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बहुत ही आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि आपसे वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम लोग भी माँ का दूध पी के जन्म लिया हो, अगर राम नवमी का अगले बार बीजेपी का सरकार बनेगा, अब हिम्मत करके देखो राम नवमी का प्रोसेशन बंद करने का, माँ का मूर्ति का विसर्जन बंद करने का, अब हिम्मत दिखा के देखो, समझ जाएगा ये हम लोगों भी माँ का दूध पी के हूँ, बड़ा हुआ हूँ। मैंने अखबार में पढ़ा कि विधानसभा में ये आनंद जी मुझको अगर गलत है मुझको सुधारेगा, विधानसभा में झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने का व्यवस्था करने का भी प्रयास किया गया, सच बोला हूं ना। फिर मैंने हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहूंगा, अगर झारखंड विधानसभा में नमाज होता है तो हमें भी इजाजत दो हनुमान चालीसा करने के लिए, हमें भी इजाजत दो हनुमान चालीसा करने के लिए। आज आप लोग जानते हो जामताड़ा जिला में कोई सारे स्कूल हैं जो शुक्रवार को बंद किया जाता है, ठीक बोल रहा हूं ना। साहेबगंज में भी शुक्रवार में स्कूल बंद होते हैं। अरे ये हिंदू का देश है, मंगलवार भी स्कूल बंद करो, हनुमान का दिन बंद करो, बंद करो। आज क्यों नहीं हो रहा है? मैं हेमंत सोरेन को दोष नहीं दूंगा, हम दोषी हैं, हम वोट बांटते हो, हम वोट बांटते हो। आज भी हमारे कोई लोग एमटी राजा को जिकाने का चक्कर कर रहा है। भाई और बहनों, माँ का खून पीने का महापाप कभी मत करो, भारत माँ का खून पीने का महापाप मत करो। कौन है ये एमटी राजा? क्या वो हमें मंगलवार स्कूल बंद करके देगा हनुमान चालीसा के लिए? क्या एमटी राजा हमें रामनवमी का जुलूस निकालने देगा? क्या बात बोलते हैं? यह भारत है, भारत में शुक्रवार कैसे स्कूल बंद हो सकता है? अरब में हो सकता है, भारत में शुक्रवार स्कूल बंद नहीं हो सकता है। मेरा असम में ये लोग 600 मदरसा खोले थे सरकारी पैसा से। मैं सीएम हुआ, मैं बोला तनख्वाह नहीं मिलेगा, बोला क्या करना है, इरादा क्या है? मैं बोला मदरसा बंद करने का इरादा है। क्यों? मैं बोला देश को मुल्ला का जरूरत नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर का जरूरत है, देश को डॉक्टर इंजीनियर का जरूरत है। बोले साहब हल्ला होगा, मैं बोला एक बार हल्ला करके दिखाओ, हम भी माँ का दूध पी के मुख्यमंत्री। कहाँ हल्ला किया,
कौन सा हल्ला किया, शेष मद्रासा मैं ओपन चैलेंज करके बंद कर दिया एक दिन में। कहे का हल्ला हुए, जब एक रहते हो ना, किसी का हल्ला करने का कोई, आप लिख लीजिए, ये लोग जब हम एक रहेगा ना, उनको हल्ला करने के लिए उनका हिम्मत भी नहीं होते। दुख क्या होते हैं, जब हमारा लोग ये लोगों को साथ देते हैं, हमारा लोग जब उनको साथ देते हैं, तब जाके ये लोग आदिवासियों को अत्याचार करते हैं, हिंदू समाज को तोड़ने का कोशिश करते हैं। हम अगर एक रहेगा ना, राहुल गांधी हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं। राहुल जी, हिंदू एक रहेगा तभी मेरा ये भारत महान होगा, इसीलिए ये भारत सनातन संस्कृति से ही यहां तक आ जाए हैं। हिंदू को मत तोड़ो, अपना घर को मत तोड़ो। जब अपना घर को तोड़ लेते हो ना, तो दुश्मन हमारा घर तक आ सकता है। लेकिन पांच भाई इकट्ठा रहते हैं, कोई माई का लाल नहीं होते हैं जो हमें चैलेंज कर सकता है, कोई माई का लाल नहीं होते हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं कि राजमहल में अनंत ऊर्जा का कॉन्टेस्टाब है। मैं बोलना चाहता हूं, ये राजमहल में अगर 5 वोट में भी हम ज्यादा है ना, अगर 10 वोट में भी हम ज्यादा है ना, हम अनंत ऊर्जा को जिता के दिखाऊंगा। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। अगर ये लोग 99.9% देते हैं हमारा भारत माँ का सगन, आप लोग 100% वोट दीजिए। हम हारेगा नहीं, 500 साल के बाद भी हमने राम मंदिर बना के दिखाया। हम हारेगा नहीं, हम लोग एक वोट से भी राजमहल में ज्यादा है कि नहीं, है कि नहीं एक वोट से? तब अगर एक वोट से भी हम ज्यादा है, अगर मेरा पिता घर में ऑक्सीजन लेके भी बैठा है, उनको भी ले आना, भारत माता को आशीर्वाद देगा, नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देगा। ये देश का पुकार है, ये हमारा समाज का पुकार है, ये रोटी माटी बेटी का पुकार है। भाई और बहनों, ये कोई सरकार नहीं है। आपको मैं गिनाते जाऊंगा, क्या बोले थे, 5 लाख नौकरी देगा। किसका किसका घर में नौकरी मिले, किसका किसका घर में नौकरी मिले, मिले 5,000-7,000 रुपया का बख्शीश आने थे, भट्टा आने थे, किसको किसको मिले, किसको किसको मिले। बहू बेटी का शादी होने में सोने का सिक्का मिलने का बात था, किसको किसको सोने का सिक्का मिले। सारा आलमगीर आलम खा गए, सारे सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गए। भाई और बहनों, आप उसको बताओ, क्या गर्मी में जब सूर्य का किरण 45 डिग्री 50 डिग्री होते हैं, तब कोई 10 किलोमीटर दौड़ सकता है? वही उत्पाद सिपाही का आपने परीक्षा किया, कौन महीना, सितंबर। क्या ये एग्जाम दिसंबर में नहीं हो सकता था? आपने क्या रिजल्ट दिया, नहीं दिया। कितना लड़का मर गया, 20 लड़का मर गया। क्यों मरा,
अब सितंबर महीना में 10 किलोमीटर दौड़ाया। अरे भैया, अगर आपको रिजल्ट नहीं देना है 3 महीना का बाद, अब जब सूरज 25-30 डिग्री तक आए हैं, तब आपने क्यों नहीं दौड़ाया? आप बोलिए क्यों नहीं दौड़ाया? और उसमें विकास लिंडा भी थे, अजित महतो भी थे। आपने आदिवासियों का हो, हमारे हो, किसी का जान का आपका कोई भी ख्याल नहीं है। आप मुझे बोलिए क्या दिए थे? मैया सम्मान है ना,